नमस्कार और आप देखें पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के पहलों के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता और खरीद सेवाओं में और उनको सक्षम बनाने के लिए सहयोग मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हरियाणा राज्य में कोविड-19 के दौरान किसी को भी भूखा नहीं सोना दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ईपीडीएस जिसके माध्यम से संकटग्रस्त लोगों की भी ट्रेसिंग तथा डिट्रेस राशन टोकन बनाकर के 3 महीने का निशुल्क राशन देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा नई दिल्ली से देश भर के राज्यों में तथा मुख्यमंत्रियों, आईटी मंत्रियों व सचिवों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और इसी दौरान ये जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यक्रम पिछले साल 32 लाख से अधिक परिवारों के डेटाबेस के साथ शुरू किया गया और अब 12.5 लाख परिवारों को गोल्डन डेटाबेस जिसको तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक अनूठी योजना है, जहां पर पात्र लाभार्थियों को जिनकी सालाना आय 1.80 लाख यानी 1,80,000 रुपये है और कुल भूमि के मानदंड के आधार पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ मिलता है। आप देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट।